बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिली गाली किचन। में आज मैं आपको बताऊंगी कि तवा जो ये सारा जला होता है इसको कैसे साफ़ किया जाता है। इसको साफ़ करना बहुत इजी है। इसके लिए सिर्फ हमें तकरीबन क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। ये सारा हम अच्छे से इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं सिरका डाल दूँगी। इसको हम तकरीबन घंटे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से जो ये सारी इसकी ये जमी हुई चीज़ है ना सारी ब्लैक ब्लैक ये थोड़ी नरम हो जाएगी। तो फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। देखें ये तकरीबन एक घंटा हो चुका है। अब ये मैंने एक छुरी ली है, छुरी की मदद से मैं इसको अच्छे से साइडों को ऐसे ऐसे कर लेती हूँ ताकि वो सारा अच्छे से रिमूव हो जाए। ब्लैक ब्लैक जो सारा जला हुआ है इसको हम ऐसे अच्छे से ये देखें मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूंगी। इसी तरह मैं आपको सारा दिखाती रहूँगी। ये देखें इसको मैं छुरी की मदद से इसको अच्छे से ऐसे ऐसे कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा रात को इसको छोड़े रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने एक घंटे के लिए इसको कवर किया था, ज़्यादा नहीं मैंने किया। इसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा और सिरका डाल के इसको एक घंटे के लिए छोड़ दिया था। और ये जो सारा जला हुआ है ये थोड़ा सा नरम हो गया। अब इसको मैं छुरी की मदद से अच्छे से ऐसे कवर कर लेती हूँ। ये देखें ये सारा जला है जिससे तवा बहुत बुरा लगता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं किचन की जो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया। ये देखिए कितना सारा ब्लैक ब्लैक ये सारा जला हुआ निकला है। ये देखिए अब मैं एक ऐसे साबुन की ये एक जाली वाली कुछ ही लूँगी। इसको मैं कोई सा भी आप साबुन इस्तेमाल कर लें जो भी आप बर्तनों को लगाते हैं। मैंने ये लेमन मैक्स का साबुन है ये वाला। अब मैं इसको अच्छे से एक दफ़ा अच्छे से इसके साथ साफ कर दूँगी। ये देखें काफ़ी हद तक ये देखिए ये हमने साफ किया। ये देखिए पहले का देखिए और आप का देखिए। अगर आप थोड़ा सा और चाहते हैं तो मैं ये छुरी के साथ ये जो थोड़ा सा रह गया इसको भी अच्छे से ऐसे ऐसे करके वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने बिल्कुल एंड पे मैंने ये वाला स्क्रोच ब्रेड लिया है फोम वाला, इसे किया। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें आप पहले के देखें और ये बिफोर बाद में देखें। ये देखें कितना अच्छा से साफ़ हो गया। आप घर में ऐसे ज़रूर ट्राई करें। बर्तन हमारे ऐसे काले हो जाते हैं तो उनको चमकाना कोई मुश्किल काम के आराम से बैठ के इसके ऊपर सिरका और मीठा सोडा आप खाने वाला सोडा ऊपर छिड़क के थोड़ी देर इसको एक घंटे के लिए छोड़ दें वो ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप छुरी से उसको अच्छे से काट के तो एक जाली वाली कुची से आप अच्छे से कर लें और एंड पे आप स्क्रोच ब्राइट के साथ कर लें अगर कोई कमी पेशी आ जाए तो। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर सही से वो तैयार हो गया और देखें कितना नीट साफ लग रहा, बिल्कुल नया जैसे लेके आए हैं। तो आप घर में ये ज़रूर ट्रिक्स हमारी ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें लाजमी दें। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।